सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे, अ न्यू डे। सो हम लोग फाइनली कल रात को तुरतुक पहुँच गए थे। सो हम लोग कल रात को तुरतुक पहुँच गए थे और अभी हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है क्योंकि कल रात को लेट हो गया था। तो अभी आज हम लोग कहाँ जाने वाले, यहाँ के जो ओनर है जहाँ हम रुके, उनसे मैं आपको मिलाता हूँ और उनसे पूछ के बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है जहाँ पर हम देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे पानी, ग्लेशियर्स के पानी इतने हैं कि आप देख सकते हैं पूरा क्लीन पानी, जो भी नीचे जा रहा है पत्थर तक दिख रहे हैं। तो काफ़ी फोर्स देख सकते हैं, बहुत ही क्लीन है। सो मैं आपको यहाँ के अभी गलियाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, इतना खूबसूरत नज़ारा है, इतना क्लीन पानी कहाँ देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस्माइल होम स्टे तुरतु की ओर। तो इनके यहाँ हम लोग रुके हैं, तो चलिए मैं इनको, इनका होम स्टे आपको दिखाता हूँ। ये है इस्माइल जी का घर। तो काफ़ी अच्छा होम स्टे है, यहाँ पे लगभग सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाना एक नंबर। और ये हमारा पहला रूम है, यहाँ पे हम लोग रुके थे। चलो करो बात। ये इनका किचन है, एक रूम हमारा नीचे था, अभी ये दूसरा है यहाँ पे। और ये है स्माइल भाई। स्माइल भाई नमस्कार, आंटी है, नमस्ते आंटी। स्माइल भाई मुझे बताइए, आप यहाँ पे कब से हैं? हम तो यहाँ, हमारा जन्म ही है, यहीं पे हुआ है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे इस्माइल भाई आपको, आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे सबसे अच्छी क्या चीज़ है? बल्कि हेरिटेज है। अच्छा, एक पॉइंट है, मॉनेस्ट्री है, व्यू है, बॉर्डर व्यू है, और इस तरफ एक पैलेस भी है, पुराना मस्जिद है। अच्छा, तो काफी सुंदर जगह, आप जाके आप खुद पता चलेंगे। चलिए ठीक है, आपने इतना बताया, अभी देखते हैं आज हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने घर में प्लांटेशन भी किए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन की है मतलब। और यहाँ पे आपने देख सकते हैं, ये पूरा कपड़े बनाने का इनका खुद का है सिस्टम, ये खुद से ही पूरा काम खुद से ही करते हैं। तो और यहाँ पे और भी लोग के स्टे के लिए बाकी पब्लिक है। ये एक अलग रूम है हमारा, वो बीच का रूम, ये रूम मैंने आपको दिखाया नहीं। और ये हमारा दूसरा रूम, यहाँ पे अभी रहीश आराम कर रहे हैं, बाकी हमारे दोस्त लोग अभी बाहर गए हुए हैं। तो ये है लगभग यहाँ का होम स्टे, काफ़ी अच्छा है। और सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे इन्होंने वाईफाई का भी सिस्टम रखा है, यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ आते हो तो पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो, और पूरा यहाँ पे माहौल मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स है। और ग्लेशियर्स आपने देख ही लिए होंगे बाहर की गलियाँ कि कितनी खूबसूरत है। तो अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट बाहर, जो इस्माइल भाई ने बताया उसमें से देखते हैं कौन सी जगह जा सकते हैं, और बाहर जाके फिर आपको वो जगह दिखाता हूँ। मिलते थोड़ी देर। सो हमारे
सारे राइडर्स हो गए तैयार और अब हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर व्यू कैफे। तो फिर बजरंगबली, आज का दिन शुभ हो। सही सलामत पहुँचे हम लोग, सही सलामत अपने मंजिल की तरफ जाएं। चलो फिर शुरू करते हैं आज का सफ़र तुरतुक में बॉर्डर व्यू कैफे, लेके चलते हैं आपको फटाफट। और ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा, यहाँ पे हमने सुबह सुबह फ़ोटोज़ खिंचवाए। ओहो, ये इतना क्लीन पानी है कि लोग इसी से पीने का पानी भी भरते हैं। जो भी घर का काम है वो सारा इसी पानी से होता है। सो कितना क्लीन है और कितना ब्यूटीफुल, एकदम इतना वाइट पानी तो मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। अमेजिंग। चलिए लेके चलते हैं आगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, दो पानियों का इधर मिलाप हो रहा है, एकदम क्लीन और ये मड़ी। वाह, कहाँ मिलता है ऐसा नज़ारा देखने को। मतलब पूरा बॉर्डर दिख जाएगा। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे पोस्ट चेक था जहाँ पे उन्होंने गाड़ियों की डिटेल्स ली, तो यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा ही ऊपर जाना है और फिर आगे अच्छा रास्ता है। इतना स्ट्रगल करेंगे और फिर आगे जाके देखेंगे कैफे, बॉर्डर कैफे व्यू। चलो 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 मकना। ओए ओए, काफी ऊबड़ खाबड़ रास्ता, गाड़ी डोलम डोल हो रही है। जबरदस्त, एकदम आ गया पक्का रास्ता। अब चलेंगे जरा स्मूथली। ओ ये, हिंदी बोलता है? हाँ, कुछ चॉकलेट खाने में बिजी है अभी। हिंदी बोलता है? ले चले, चलो। सो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं बॉर्डर कैफे व्यू। भी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, आगे एक गाइड है वो लेके चल रहा हमको। सो चलिए फटाफट लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का व्यू कैसा है, बॉर्डर व्यू कैसा दिखता है बॉर्डर, है ना। आई एम एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम टॉप व्यू से इतना बॉर्डर देखने को मिलेगा। ओ वाओ भाई, मेरा सोल गया, क्या करें अब। तो जूता मेरा फट गया, पूरा सोल निकल गया, देखते हैं कहाँ तक चल पाऊंगा, वरना तो मैं रिटर्न नीचे जाऊंगा। हेलो, कितना सुंदर नजारा है, एकदम पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये बीचों बीच पूरा। अभी तक तो मैं कैफे भी नहीं पहुंचा, पहले कैफे पहुंचता हूँ फटाफट। अभी तो छुट्टी चल रहा होगा, है ना, फिर मस्ती चल रहा होगा अभी। नहीं सही है, मौज करो मौज। पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? सही है।
और घूमने जाता है कि नहीं? जाता है। ये तुम्हारा घर है? हाँ। बहुत बढ़िया। और अपने पंटर लोग कहाँ हैं? देखते हैं। बहुत अच्छा है इधर। मतलब इधर आया ऐसा ऊपर आने के बाद लगा नहीं था इतना सुंदर हो। निजामपुर पाकिस्तान की। अच्छा 1947 इंडिया और पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन हुआ था ना। हाँ हाँ। उसके बाद ये गांव पूरा पाकिस्तान को मिला था। अच्छा पाकिस्तान को मिला। हाँ, था यहाँ से 20-30 किलोमीटर आगे नदी पे पुल है। हाँ हाँ। उससे नीचे पूरा पाकिस्तान का था। फिर 1971 में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया आगे तक। फिर करगिल वॉर के दौरान है ना। हाँ। 4-5 साल बराबर लड़ाई हुआ था। करगिल वार तो 2-3 महीने के हुआ था ना। हाँ हाँ। यहाँ तो 5-6 साल हुआ लड़ाई। अरे बाप रे। 2004 में खत्म हुआ था लड़ाई। ओह अच्छा। अरे बहुत लंबा चला। हाँ। तो उसके बाद ये अपने इंडिया में आए। हाँ ये अभी लड़ाई यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे अच्छा उधर पाकिस्तान का। तो वहाँ से कभी घुसपैठी लोग आए क्या? नहीं नहीं है? अभी नहीं। 2004 के बाद थोड़ा यहाँ पे शांति है। अच्छा चलो नहीं अच्छा है अपना भाई लोगों ने भी। हाँ हाँ सब अच्छे से कर रखा है। हाँ हाँ मेहनत है इसीलिए सब अच्छे से चल रहा है। तो ये जो इसमें भूसा रखते हैं जो जानवरों का इसपे पत्थर क्यों रखते हैं? तो पहले जमाने में सीमेंट वीमेंट नहीं मिलता था। पुराने जमाने में बनाया था। अच्छा। ज्यादा पत्थर मिलता था इसलिए पत्थर का यूज किया है। अच्छा। इसी के ऊपर वो उनका पूरा ये उनको उसी पे पीसता है इसके ऊपर गदों के। अच्छा अच्छा। आता है फिर इनमें पे स्टोर करते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये पत्थर के अलावा इसमें अंदर भूसा और कुछ और पत्थरा भी डाला है क्या ऊपर की साइड में? ऊपर में वो लकड़ी और वो क्ले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सही है। तो इतना ऊपर सब लेके आते हो तुम लोग? अच्छा मतलब मेहनत वाला काम है। चलो अच्छा अच्छा। और मुझे एक चीज़ और बताना। मैं यहाँ से जब मैं लेह से यहाँ तक आया मेरे को बीच में बहुत सारे वो तूप्स क्या बोलते हैं वो व्हाइट कलर के ऐसे मंदिर टाइप दिखे। हाँ। वो क्या है तुम्हें पता है? व्हाइट कलर का। हाँ। वो बुद्धिज्म का वो है। अच्छा बुद्धिज्म का है। हाँ, बुद्धिज्म का वो छोटा सा है ना। हाँ मतलब छोटे बड़े अलग अलग छोटा तो उनका वो है इनकी जो बनने में आता है ना। हाँ हाँ उसमें बनाते हैं। अच्छा शमशान टाइप। हाँ हाँ शमशान। अच्छा 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 अच्छा। उसी में जलाता है। ओके ओके ओके। जैसा बड़ा वाला था उनको पूछा हुआ। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा तो मतलब इधर अगर किसी को दफनाया जाता है तो वो उस हिसाब से उस पे वो छोटा वाला। हाँ, हाँ, वो करते हैं। अच्छा तो वो दफना के वही पे रखते हैं। अच्छा ओके ओके। तो ऐसा फंडा है। अच्छा चलो ये चीज़ मैं काफ़ी देखते हुए आया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो सड़क के बाजू में भी बने कहीं कहीं। हाँ। तो मेरे को ये नहीं समझ रहा था कि वो मंदिर है कि शमशान है कि क्या है या फिर कोई मान्यता के लिए बनाते हैं ऐसा। तो वो समझ नहीं रहता है। तो अभी समझ में आया कि मतलब कैसा रहता है ना। चलो अच्छा है तुमने बताया अभी क्लियर हो गया। तो अभी हम निकल रहे हैं तुरतुक से। ज़्यादा टाइम मिला नहीं हमें सो हमने एक ही स्पॉट कवर किया तुरतुक में। बहुत ही खूबसूरत था। आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस तुरतुक से दोबारा नुब्रा वैली।
और नुब्रा वैली में हम मॉनेस्ट्रीज एक है जानी मानी, वो देखेंगे टाइम पे रहे तो, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान कैसा है। मोस्ट प्रॉब्ली वापस हमें ले पहुंचना है, तो शायद से ले ही जाएंगे। एक रात को बहुत ख़तरनाक टर्न आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ख़तरनाक टर्न था वहाँ पे। हमारे एक राइडर जो थे, जो दो डबल सीट बाइक पे बैठे थे, वो लोग हल्का सा स्किड भी कर गए। तो पहुँचता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ। ये था वो खतरनाक टर्न, यहाँ रात को पानी था और यहीं पे ये लोग स्किट किए थे। रात को पता ही नहीं चलता क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइट कुछ, सिर्फ जो पोल्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसके डायरेक्शन आप देख के चला सकते हो और आपकी बाइक लाइट से, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रात के टाइम बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है। तो अभी निकले हैं आज, आई होप सो सब पॉजिटिव रहे, सब सही रहे। देखते हैं कितनी देर में नुब्रा वैली पहुंचते हैं। सो बने रहिए मकना के संग, आपको दिखाता रहूँगा आगे का सफ़र। सो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर टेमर्स, जो कि ये सिंगल ब्रिज है। देखिए कि आप देख सकते हैं कि आगे से कॉन्वॉय आ रहा है। सो एक टाइम में एक ही जा सकता है। ये हैंगिंग ब्रिज है, एक्चुअली केबल से बना हुआ है, इसको नीचे शायद सपोर्ट नहीं है, इसके लिए ट्रक्स और गाड़ियाँ इतनी स्लो चलती हैं इस पर। बाहर के लोग को देखते हैं इस तरह से, अपने को भी खुशी होती है, बच्चों को बहुत मज़ा आती है। तो ये देखिए मस्ती है। ये पत्थर देखो ज़रा, एक के ऊपर एक करके रखा है ताकि पत्थर हिले ना। कल वाला ही पैच है, आज इधर काम चालू है, कल शाम हो गई थी इसलिए काम बंद था। सो अभी हमने ब्रेक लिया यहाँ पे, शाम के 6 बज रहे और 6 बजे हमने नाश्ता किया, पराठे पुलाव, और अब यहाँ से हम जाएंगे मॉनेस्ट्री, क्योंकि हम पहुँच गए नुब्रा वैली में, जो कि वहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही पास में। आज हम लोग का ही स्टे का प्लान है, तो आज मॉनेस्ट्री देखेंगे और उसके बाद स्टे करके कल निकलेंगे ले के लिए। चलो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और आपको दिखाता हूँ मॉनेस्ट्री का नज़ारा। अभी डिस्किट में आ गए हम लोग, ये नुब्रा वैली में आते हैं। मैं साथ में चलते भाई, बाली में चलते। Oh, 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 oh
फाइनली हम लोग आ गए हैं मॉनेस्ट्री। ये है मॉनेस्ट्री का एंट्री। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच गए हैं ये डिस्ट्रिक्ट की मॉनेस्ट्री है। सो यहाँ पर ये न्यू मॉनेस्ट्री बनाई है। इसमें दूसरी मॉनेस्ट्री भी है जो कि पुरानी मॉनेस्ट्री है, उसका टाइम ख़त्म हो गया था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्टेप्स हैं तो वो स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता है तो उसके लिए हमें टाइम लग जाता और ऊपर जाते जाते वो बंद हो जाती थी। वो वहाँ पर हम लोग नहीं गए इसलिए हम लोग अभी ये नया मॉनेस्ट्री ये जो बना है वो हम देखने आए हैं। तो ये है फ्यूचर बुद्धा। ये अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये जो मॉनेस्ट्री है ये 350 साल पुरानी है। जी हाँ, काफ़ी पुरानी है। बट ये जो अभी मॉनेस्ट्री इसके अंदर जाना मना है क्योंकि अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन या उनके अदर रीजंस होंगे। बट इसके अंदर अगर आप देखेंगे, अगर आपको कभी जाने का मौका मिला तो इसके अंदर बुद्ध जी का एक बड़ा सा मूर्ति है और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, तस्वीरें हैं, तो ऐसा कुछ है। और यहाँ से आप जितना दूर तक देखें आपको पूरी डूबरा वैली दिखेगी। तो काफ़ी अच्छी हाइट पे है तो मतलब यहाँ से पूरी वैली लगभग दिख जाती है पूरा आप। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों के साथ। थोड़ी देर यहाँ पर आराम से शांति से बैठेंगे, नज़ारों का मज़ा लेंगे और आप भी लीजिए। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बताइएगा आपको तुर्तु गाँव आज का जो मैंने दिखाया वो कैसा लगा और जो ये डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री है वो आपको कैसी लगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और मिलता हूँ कल नई सुबह नए दिन नई शुरुआत के साथ नए सफ़र पे मकना के साथ। तो स्टे ट्यून्ड।